नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीबी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रतलाम प्रशासन ने भू माफियाओं पर मंगलवार से बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। शहर के सबसे महंगे और पॉश मैरिज गार्डन JMG पर प्रशासनिक हथौड़ा चलने लगा है। शहर SDM लक्ष्मी गामड़ के नेतृत्व में तहसीलदार गोपाल सोनी, CSP और निगम अमला मौके पर मौजूद हैं। प्रशासनिक अफसरों की शुरुआती नपती और सीमांकन की प्रक्रिया के बाद SDM के आदेश पर JCB की मदद से निगम अमले ने JMD के लिए MOS के आधार पर ज्यादा निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई शुरू की है। पहले घंटे में बाहरी शेड, दीवार का एक हिस्सा और परिसर से लगे एक और निर्माण का अगला हिस्सा JCB से तोड़ा गया। कलेक्टर रुचिका चौहान ने 24 घंटे पहले ही शहर में प्रदेश सरकार के आदेश के बाद कार्रवाई संबंधी निर्देश सभी अधिकारियों को दिया था। इसके बाद बैठक में प्रशासन ने माफियाओं के साथ ही अवैध कब्जों, व्यवसायिक अनुमति के विपरीत निर्माण, शराब, सूदखोरी के अलावा भू माफिया पर कार्रवाई करने के लिए दल भी गठित किए हैं। नगर निगम की टीम और पुलिस और प्रशासन की टीम ने एक पूरी लिस्टिंग की है, जिस तरीके से कुछ इलीगल टाइप के कंस्ट्रक्शन हैं और कुछ गवर्नमेंट लैंड्स पे कंस्ट्रक्शन है और कुछ भू माफिया टाइप के लोग हैं, तो उन लोगों के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है। तो हम लोगों ने ये कार्रवाई कल से ही शुरू कर दी थी। आज हम लोग यहाँ पे JMD पैलेस में कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने जो MIU नगर निगम से अनुमति के लिए दिया था, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं करते हुए अपने मन से ये पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया था, तो उसी कड़ी में हम आज इसको तोड़ दिया है। मैम, इसके अलावा कहाँ का कार्रवाई कुछ ऐसा आज हम लोगों के पास और लंबी लिस्टिंग है, हम वन बाय वन कार्रवाई करते जाएंगे और आप लोगों को बताते जाएंगे। शहर में कोई बड़े कॉलोनाइजर है, उनके उनको कोई कार्रवाई कर? बिल्कुल करेंगे, अगर इलीगल हम लोगों को मिलता है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। रतलाम जिला ब्यूरो चीफ एजाज शेख की रिपोर्ट।